हेलो गाइस, मैं हूं कुंदन और स्वागत है आपका इस मेरे नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं एक एंट्री लेवल DSLR की अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अनबॉक्सिंग बिना किसी देरी के। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखा कवर हटाने के बाद। तो आप जल्दी से हटा लेते हैं इस टेप को। आप देख सकते हैं यहाँ पर निकॉन का ब्रांड है और हमने ये मंगाया है निकॉन D3500। उसके बाद कुछ ये मैनुअल बुक है, आप देख सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो इसकी सहायता से फोटोग्राफी कर सकते हैं। निकॉन का सर्विस वारंटी जो कि 2 साल का है। ये आपका बस ऐसे ही कुछ नहीं कार्ड है और ये रहा आपका, ये भी फालतू है। इसमें आपका यूज़र मैनुअल, ये गाइड करेगा आपको, इसको अब बर्दाश्त नहीं होता दोस्त। तो देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या है। आई थिंक ये कैमरा बॉडी है, देख सकते हैं। ये एक रैपर के अंदर है, अरे रैपर के अंदर एक और बबल रैप है। कुछ इस तरह का हमारा कैमरा, ये तो देखते हैं और क्या क्या है। इसको साइड करते हैं, ये आई थिंक लेंस है, ये भी बबल रैपर के अंदर है। ये रहा 18-55 mm का लेंस। ये कैप है ताकि लेंस को कवर कर सके। ये बैक कैप है और ये आपका फ्रंट कैप जो निकॉन के ब्रांड की ओर से आती है। ये कुछ रहा इस तरह का लेंस, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसको भी साइड करते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। ये रहा बिल, 36 mm मंगाया मैंने फ्लिपकार्ट से। अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये है निकॉन सर्विस वारंटी कार्ड, यहाँ तो कुछ है नहीं, क्या करो खुद से भर दो। ये है बैंड जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। इसको कर लेते हैं साइड और इस तरह से आपको लगाना होगा यहाँ पे। आप समझ ही गए होंगे कैसे लगाना है। ये है बैटरी जिसके साथ इसका कैप भी नहीं है, क्या करूँ निकॉन वालों की, भाई कैप तो दे देते। कुछ रिचार्जेबल बैटरी लिथियम आयन का जो कि 7.2 वोल्ट का है, 1230 mAh का। इसे आप करीब 1500 से 1600 फोटो क्लिक कर सकते हैं यूज़ किए। अगर आप फ्लैश यूज़ करते हैं तो 400 से 500 फ़ोटो क्लिक हो सकती है इससे एक बार फुल चार्ज करने के बाद। देख सकते हो ये यहाँ पे निकॉन का ब्रांडिंग है, आप ऐसे पहचान सकते हो कि ओरिजिनल है या नहीं। देख करते हैं और क्या क्या है। ये रहा चार्जर, इस पर आप बैटरी चार्ज कर सकते हो कुछ इस तरह से माउंट करके। इस तरह से माउंट करके आप चार्ज कर सकते हो कुछ। और गाइस फाइनली ये रहा हमारा निकॉन का एंट्री लेवल DSLR। तो हटा लेते हैं कैप को, देख सकते कुछ इस तरह का है हमारा DSLR। और इस बारी है इस लेंस को लगाने की, तो ये हटा लिया मैंने कवर और ये हट गया मेरा फ्रंट कवर। भाई तो ये तो डस्ट है, कुछ नहीं सकता ही सकता। तो कुछ देखिए इस तरह से माउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक वाइट मार्क है, यहाँ पे वाइट मार्क है, तो दोनों को कर लेते हैं मैच और कुछ इस तरह से हो गया सेट। ये सेट अब बैटरी लगाते हैं भाई, अब लगाते हैं हम लोग बैटरी को कुछ
इस तरह से माउंट कर लेंगे। ये लग गया बैटरी। तो अब बारी है मेमोरी कार्ड लगाने की। तो गाइज मैं बता दूँ कि इस कैमरे के साथ मेरे को मेमोरी कार्ड नहीं मिली है। मैंने एक मेरा डिजिटल कैमरा वहाँ से मेमोरी कार्ड निकाल के इस पर लगा दिया। तो ये हो गया मेरा मेमोरी कार्ड। अब कर लेते हैं कैमरा को ऑन। तो कुछ इस तरह का खुलेगा, आप देख सकते हैं। मैं लाइट मोड पे आके दिखाता हूँ आपको। अच्छा ये जूम करना पड़ेगा। हो गया ये जूम। ये है कुछ लाइट मोड, आप देख सकते हैं इस तरह का दिखेगा कुछ। मैं कुछ सैंपल्स दे दूंगा लास्ट में वीडियो के एंड पे। तो कुछ इस तरह का सैंपल्स। ज़ूम हो जा भाई, देखिए कुछ इस तरह का फोटोज आया। तो गाइस अगर आप भी ये कैमरा लेना चाहते हैं फोटोग्राफी के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा मीडियम रेंज पे। ये बहुत ही अच्छा फोटोग्राफी के लिए है। लेकिन अगर आप वीडियोग्राफी के साथ जाएंगे तो ये कैमरा सही नहीं है, बिकॉज़ ये एक एंट्री लेवल DSLR है और इसमें ये फोकसिंग का बहुत दिक्कत है। आप अगर वीडियोग्राफी के लिए जा रहे हैं तो कोई कैनन का कैमरा ले लें, इसे वीडियोग्राफी नहीं कर सकते आप। वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं बट बहुत फोकसिंग प्रॉब्लम आएगी। इस कैमरे में एक प्लस पॉइंट है, इसमें HDMI सपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ HDMI का ऑप्शन है। आप यहाँ से कुछ इस तरह से खोल के, यहाँ से HDMI का ऑप्शन है, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ भी है, यहाँ से ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं और आपको इस कैमरे के अंदर वाईफाई का नहीं मिलेगा। इसके साथ मेरे को मेमोरी कार्ड नहीं मिला और ना ही बैग, तो मुझे अलग से बाई करना पड़ेगा, जो कि मैं करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट से। कुछ 500 के करीबन बैग आ जाएगा और 500 के करीबन मेमोरी कार्ड आ जाएगा, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि निकॉन के साथ मुझे मिलेगी बट नहीं मिली, बहुत दुख की बात है। तो गाइस एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।